नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के YouTube चैनल पर। तो आज मैं बात करूँगी, गुरु जो है वो वक्री होने वाला है, जो कि 118 दिनों तक वक्री रहेगा। तो किस किस राशियों में कौन कौन सा प्रभाव गुरु देने वाला है। वक्री का मतलब होता है जब कोई प्लैनेट, जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है, और गुरु जो है ये ग्रह हमारे ज़िंदगी में पैसे, खुशहाली, हेल्थ, हमारा मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस है, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। और पैसों से संबंधित, फाइनेंशियल चीज़ों से संबंधित गुरु जो है ये हर राशि में अलग अलग इफेक्ट करने वाला है। किसी राशियों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ये समय, और किसी राशियों के लिए थोड़ा मुश्किलें खड़ा करेगा। तो मैं हर राशि के बारे में बात करूंगी और उपाय भी बताऊंगी अगर आपकी राशि में कोई दिक्कत गुरु देता है तो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। ये जो मैं बताने जा रही हूँ ना, ये राशि नहीं, आप अपने लग्न राशि को देखें। जो लग्न है मैं उसके बारे में बात करूंगी कि किस लग्न के लिए ये जो वक्री गुरु है, जो कि 118 दिनों के लिए वक्री होगा 4 सितंबर से, और ये जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा या अच्छे रिजल्ट्स देगा, ये सारे लग्न के अनुसार आप जाके अपने चेक कर सकते हैं बर्थ चार्ट के। मेष लग्न मतलब एरीज जिसका लग्न है उनके लिए ये जो है फर्स्ट हाउस से गुरु ने गोचर करना शुरू करेगा, और ये जो है आप बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। किसी भी बात को लेके आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करना, पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, जैसे आपका रुका हुआ कोई काम है तो वो शुरू हो जाएगा, आपके न्यू वर्जन आप देख पाएंगे खुद के अंदर। अगर पेशेंस को थोड़ा सा और स्ट्रांग कर लेते हैं और किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अवॉइड करने लगेंगे कुछ लोग हो सकता है आपके व्यवहार के लिए, लेकिन आपको अपना टेम्परामेंट नहीं खोना है। अगर आप शांति से पेशेंसली कुछ भी काम अगर करते हैं या सोचते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा ही होगा। एक उपाय बताने जा रही हूँ ताकि आपका पेशेंस जो है वो बरकरार रहे और किसी तरह की गलत असर आप पे गुरु ना कर पाए। तो इसके लिए उपाय क्या है, हल्दी 500 ग्राम हल्दी का पाउडर आपको लेना है, जो कि आपको किसी भी कम्युनिटी किचन, जैसे कि लंगर हो गया या कोई भोग वितरण होने वाला है तो वहाँ हो गया, किसी मंदिर में हो गया, कहीं पर भी जाके 500 ग्राम गुड़ा हल्दी ले जाकर दान करके चलाएं। और इसका जो प्रेफरेबल डे है वो है थर्सडे, वीरवार या बृहस्पतिवार को आप जाके इसको दान करके आएं। दूसरी जो लग्न है वो है वृष लग्न, जिसको हम लोग टॉरस भी कहते हैं। 12th हाउस से ये जो है गुरु गोचर करेगा। जो लोग फॉरेन सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, आप आराम से सेटलमेंट हो जाएंगे। अगर आपका पीआर नहीं लग रहा था तो आपका पीआर होने वाला है और आपको गुड न्यूज़ मिलेंगे। जिनको ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी जॉब में, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में, बहुत दिनों से आप ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, बजट थोड़ा हिल सकता है, लेकिन जितने भी खर्च होंगे वो सारे शुभ कार्य में खर्च होंगे। और हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत इश्यूज रहेगी, एब्डोमिनल प्रॉब्लम मतलब पेट से जुड़ी किसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिसका आपको ट्रीटमेंट करवाना अनिवार्य होगा। तो उपाय मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है जो कि ग्रीन कलर का होगा, उसमें आपको थोड़े मोटे वाले सौंफ आप उसको भर भर के रख दें, उसको पूरा फिल कर दें। और सिरहाने सोते वक्त रात को आपके सिर के पास उसको रख के सोना है, और रात को एवरी रात को खाना खाने के बाद जब आप सोने जाएंगे तो उसी जार में से थोड़ा सा सौंफ निकाल कर आपको कंज्यूम करना है, खा लेना है, उसके बाद पानी पीकर आपको सो जाना है। चलिए इसके बाद मैं बात करूँगी मिथुन लग्न वालों की। जेमिनी जिनका लग्न है उनको जो है ये जो है ना गुरु वो उनके प्राप्ति के घर से गोचर करेगा। तो इसमें वो 50% जो भी काम आप करेंगे, अपना 100% एफर्ट अगर डालते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो 50% मिलेगा। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी इस पीरियड में, थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करना है। 100% मेहनत करेंगे तो 50% रिजल्ट मिलेगा, इसका मतलब आपको 200% मेहनत करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे तब जाके रिजल्ट आपको मिलेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट आपका हो सकता है, या आपको किसी न किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ेंगे जहाँ पर आपका जो मत है, जो आपकी जो भी आप डिसीजन लेंगे वो शायद किसी को पसंद ना आए, तो इसके चलते आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकती है। आपका एक छोटा सा उपाय बताने जा रही है, ध्यान से सुने, ज़रूर करें।
चांदी का एक चौकोर लेके अपने वॉलेट में रख ले, या फिर आप उसको गले पर भी धारण कर सकते हैं। और पिताजी का दिया हुआ कोई भी सामान, या फिर हो सकता है उनको उन्होंने आपको कोई गिफ्ट किया हो, कोई चीज़, कोई भी सामान, एक पेन भी हो सकता है वो, या कोई भी चीज़ें हो सकती है, उसको अपने साथ कैरी करें और उसको बीच में टच करते रहें। ये ब्लेसिंग्स की तरह काम करेंगे। तो चलिए उसके बाद बात करती हूँ कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए, तो कैंसर जिनका लग्न है, कार्यस्थल में गोचर हो रहा है बृहस्पति का, तो इसीलिए रुका हुआ अगर आपका कोई काम है तो वो पूरा हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये 118 दिन। आपके गोल्डन टाइम में भी आप काउंट कर सकते हैं। प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन होंगे, आपका करियर में किसी तरह की बाधा आ रही थी तो वो ख़त्म होगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपको थोड़ा अड़चने आ सकती हैं आपकी अपनी घरेलू किसी मामले में, कोई प्रॉपर्टी को लेकर, अगर कोई डीलिंग आप अपने घरेलू प्रॉपर्टी को लेकर कुछ करते हैं, तो शनि जो है वो आठवें घर में वक्री होकर बैठा है, 99% तक काम आकर कहीं ना कहीं रुक सकती है। ताकि ये काम जो है वो ना रुके उसके लिए मैं उपाय बताने वाली हूँ, ध्यान से सुने। गुड़ में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाकर उसको चलते हुए पानी में प्रवाह कर देना है। ये काम आपको किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आपको रेगुलर 118 दिन तक ये काम अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी एक दिन आप लेकर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंह जिसका जो लग्न है मैं उसके बारे में बात करूंगी। किस्मत के घर में गुरु का जो है वो धार्मिक आयोजन आपसे करवा सकता है। किसी भी तरह से जो शनि जो है वो ऑपोजिट चल रहा है, तो पारिवारिक जितने भी आर्ग्यूमेंट है वो हो सकते हैं। थोड़ी मेंटल समस्या, मतलब आपको मानसिक चिंताएं थोड़ी घिर सकती हैं, और हो सकता है कि लाइफ में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए किसी पारिवारिक लोगों को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर। उपाय क्या है, रोज़ आपको केसर का तिलक लगाना है, इतना मात्र करने से लाइफ में जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। कन्या और वर्गो जिसका है उसके लिए बता दूँ, एट्थ हाउस जो है वो पीड़ा का घर होता है, और वहीं से जो है बृहस्पति जो है वो वक्री होगा, तो धन का जो है वो नाश हो सकता है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, पैसे मिलने में दिक्कतें हो सकती है। पेमेंट का जो लेन देन है, जो डीलिंग से, वो थोड़ा सोच समझ कर करें और आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, समाज में किसी भी तरह के लिए विवाद में ना पड़े, किसी के सामाजिक विवाद में आप ना पड़े। और संगति का जो है असर आप पर होगा, और लोग जो है आपके आसपास जो रहेंगे आपको उसमें फ़र्क समझना है कि कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है। सलाहकार से सलाह ज़रूर लें, आपके जो वेल विशर्स हैं उनसे सलाह लेकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए। आपको एक उपाय करना है, लाल रंग का रुमाल आपको रखना है अपने पास, और नाभि माथे और जीभ में आपको केसर लगाना है, इतना मात्र करने से गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। चलिए तुला लग्न वालों की बात करते हैं। तुला या लिब्रा जिसका लग्न है, शादी का घर से ये चीज़ वक्री होने वाला है, और संतान जो है वो संतान की वजह से थोड़ी समस्याएं लाइफ में आ सकती हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जीवन साथी के साथ थोड़ा अनबन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अभी ना ही करें तो अच्छा है। एक पर्टिकुलर समय बना लें कि मैं 10-15 मिनट के लिए पूजा करूँगी, ज़्यादा पूजा पाठ भी तकलीफ देगा। तो साफ आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो बता दूँ कि सूखी हुई जो डंडी वाली जो मिर्च होती है, लाल मिर्च, उसको लेकर आप पीले कपड़े में मोड़ लें और उसको कहीं पर अलमारी के अंदर आप रख दें। 118 दिन जब हो जाए उसके बाद जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे उसको रखकर चले। वृश्चिक जिसका लग्न है उनके लिए बता दूँ, 6th घर से ये जो है गोचर करेगा, और ये रोग पीड़ा का घर है, खर्च का घर है, इनकम में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपके अंदर आ जाएगा किसी बात को लेकर, कोर्ट कचहरी तक की बातें जा सकती हैं अगर आपने सही से डिसीजन नहीं लिया। अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हैं तो आपका हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है। और उपाय आपको क्या करना है, गाय को आपको डेली गुड़ वाली शक्कर मिलती है, गाय को गौशाला में जाकर दान करके चले, उनको कहें कि डेली थोड़ा थोड़ा करके गाय को खिलाने के लिए। धनु जिसकी लग्न है सैगिटेरियस जिसको कहते हैं, तो काम में उनकी तरक्की होने वाली है, गोल्डन टाइम इनके लिए चलने वाला है, प्रॉब्लम सारे खत्म हो जाएंगे, लाइफ में जितनी भी समस्याएं थी खत्म हो जाएगी, न्यू प्रॉपर्टीज़ आप ले सकते हैं, पास्ट में जितने भी ब्लॉकेजेस थे पैसों से रिलेटेड वो सारे खत्म हो जाएंगे, अच्छी चीज़ें लाइफ में आने वाली है। उपाय आपको क्या करना है, वैसे तो आपको उपाय की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बताती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको मतलब कैजुअल हो जाएंगे आप, तो आप कैजुअल ना हो इसके लिए ये है, 4 थर्सडे तक 400 ग्राम करके चना का दाल आपको जल प्रवाह करना है, इससे आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अड़चने नहीं आएंगी। मकर लग्न या कैप्रिकॉन जिसका लग्न है उनके 4th हाउस से
और ये गोचर होने वाला है, घरेलू अशांति हो सकती है, गर्दन के नीचे की समस्याएं हो सकती है, उसकी पीड़ा हो सकती है, ENT से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पारिवारिक विवाद में भी आप पड़ सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको माथे पर कच्चा दूध का तिलक रोजाना लगाना है, येल्लो कलर के फ्लावर्स अगर पॉसिबल हो तो शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर सोमवार वाले दिन अर्पित जरूर करें, और अगर आप नहीं जा सकते मंदिर तो घर पर अगर कोई शिवलिंग है तो वहाँ पे भी आप अर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कुंभ या एक्वेरियस जिसका लग्न है, थर्ड हाउस से ये गोचर करेगा और ये जो है समाज में आपको नए नए लोगों से मिलवाएगा, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाएगा, आपके लिए अच्छा होने वाला है, बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सारे प्लानिंग्स सब खुद से करेंगे और प्लानिंग्स को एक्टिव भी करेंगे, उनको दिशा में लाएंगे। परेशानी थोड़ी हो सकती है एक ही चीज़ को लेके, क्योंकि इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और इमोशनल होकर कोई भी तरह का डिसीजन आपको नहीं लेना है। ताकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए इसके लिए जो उपाय है, संडे को आपको गुड़ का दान करना है किसी भी शिव मंदिर में। जो है राशि मीन, जिसको पीसेस भी कहते हैं, तो धन के स्थान से ये गोचर करने वाला है, अटका हुआ धन आपको मिलेगा, नए लोगों से आप संपर्क में आएंगे, सलाहकार जो है वो आपको अच्छी सलाह देगा, वेल विशर्स जो है उसकी बातें सुनकर ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले। और उपाय के तौर पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको आवारा कुत्तों को अगर ब्रेड और दूध खिला सकते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा। आशा करती हूँ इसी के साथ मेरी जितनी भी उपाय मैंने बताए, जो भी बताया, वो सब आपके काम में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ज़रूर इनको आजमाएं, लाइफ को ईजी बनाएं और गुरु के गोचर को अपने लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए कहें, नेगेटिव नहीं। और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे परिवार बढ़ता रहे, मैं यही आशा अनुकंपा के सबका भला हो, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, यही कहना चाहती हूँ। और मैं फिर से इजाज़त चाहती हूँ आपसे, मैं वापस नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आप सभी के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।